फ्रेंड्स देख सकते हो ये राइट है, ये देख सकते हो ये वाइट एंगल है, फोर साइड आईपीएस न्यू क्रेटा है ये दो। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आज हमारे पास आई है ये न्यू क्रेटा, ये अभी न्यू मॉडल है, 2023 का है और अभी 500 ही गाड़ी निकली है। तो देख सकते हो अभी हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे इंडोर म्यूजिक सिस्टम। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। बैक टू मचल जय कृष्णा कार सर्विस। तो आज हमारे पास आई है एक न्यू क्रेटा, देख सकते हो ये है और ये, और इसमें क्या है, सिस्टम नहीं है और स्पीकर। जो सिस्टम लगेगा हमारा ये पैनासाउंड का सिस्टम है, 432 में है ये, और एक फ्रेम है अपने पास, और इसके अंदर पैनासाउंड का ही एक कैमरा है, और यूनिवर्सिटी के अल्फा के 4 स्पीकर्स हैं जो हैं कंपोनेंट्स। तो चलिए अभी हम इनको फिटिंग करते हैं और ये अपना जो पैनल है वो कैसे खुलता है और कैसे निकलेगा उसका मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए खोल लेते हैं पहले इसको। देख सकते हो पहले, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, मैं इस गाड़ी के अंदर बता देता हूँ। पहले पैनल ये निकलेगा, आप इसको भी निकाल सकते हो और इसको भी निकाल सकते हो। इन पैनल को निकालने के बाद ही ये खुलेगा, क्योंकि इधर स्क्रू होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको खुलने के लिए पहले ये खुलेगा और फिर ये, तो ये पूरा खुल लेते हैं। खुलने के बाद तो ये हमारा ऊपर का पूरा खुल चुका है और नीचे का भी पूरा खुल चुका है। इधर स्क्रू दिखा देता हूँ मैं आपको, एक इधर है, एक इधर है और दो इधर है, तो इनको हम खोल लेते हैं, उसके बाद निकालो। हमारा खुल चुका है, देख सकते हैं, इसको कर देते हैं हम साइड में। और इसका जो इंडोर पे 9 इंच का फ्रेम है वो ये है, और इसका सिस्टम भी निकाल लेते हैं एक बार। सिस्टम भी देख सकते हैं ना, साउंड 9 इंच TS7 GT 432 से। तो अभी हम इसको पूरा सेट कर लेते हैं। सेट करने का आधा देखा है आपको, ये है इसकी डिस्प्ले जो कि 9 इंच की है, ये देख सकते हैं, और इधर भी लिखा हुआ, डिस्प्ले पर भी लिखा हुआ ये 432। और जो इसकी एक्सेसरीज है वो है इसमें, वो मैं खोल देता हूँ, ये खाली बॉक्स हो गया। तो इसकी एक्सेसरीज है, इसमें GPS एंटीना होता है, 2 USB पोर्ट होते हैं, और ये एम बूफर की वायर होती है जो एम्प लगाने के लिए होती है, और कैमरे की वायर होती है इसके अंदर, और USB 2 पोर्ट होते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। जो स्टीयरिंग है ना वो कंपनी ने दिया तो है, मगर ये अलग से लगा के दिया है, तो अभी इसका स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ वायर ही नहीं है। और उसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, ये स्टीयरिंग पूरा नीचे से खोल के, ये पैनल, तो इसमें जो छोटा वाला कपलर है ये वाला देख सकते हो इधर, ये एक ये वाला कपलर है येल्लो वाला, एक स्कैनर के नीचे ये वाला कपलर है, ये देख सकते हो ये वाला, ये जो ग्रे वाइट वाला जो कपलर है इसकी जो वायर है। अब जैसे कि मैं अगर इधर से गिनता हूँ तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर ये वायर है। अगर हम सीधा कपलर लेके तीसरे नंबर पर 1 2 3 तो एक ग्रे वाले में एक वायर जुड़ेगी, और इधर से अगर लेफ्ट से मैं राइट से जोड़ता हूँ 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पर ये ब्लू के बराबर में देख सकते हो। तो ये हमने तार इसके अंदर जोड़ी, ये जोड़ दिए, और ये पूरा ये यहाँ से बाहर निकल के ये K1 में लग चुकी है, ये रहा K1। तो ये पूरा वर्क कर रहा है, वो भी दिखाएंगे। अभी कर देते हैं इसको पूरे को पैक। तो ये जो स्पीकर था इन्फिनिटी का वो लग चुका है, पूरे चारों पेच लग चुके हैं, और जो ट्विटर्स की वायर है वो ये रही। और ट्विटर्स हमने लगाया कैसे दिखा देते हैं आपको एक बार, ये देख सकते हो ये ट्विटर्स हमने इधर से लगा रखा है, जो कि इधर लगाने से क्या होता है कि पूरा वो ब्लैक अलग दिखता है, तो इसलिए हमने ये ब्लैक में ही जॉइंट कर दिया है। और लगाया कैसे वो दिखा देते हैं। इधर से पूरा कटिंग होके ये बाहर निकला है, ये पूरा टाइट करने के लिए है नीरा वायर, तो अभी लग जाएगा ये वायर। लगने के बाद आपको दिखा देते हैं पूरा फिटिंग के साथ। और कैमरा है वो देख सकते हो, ये अभी हमने होल किया है इसका, ओरिजिनल की तरह लगा रहे हैं इसमें ये रहा। उसकी जो वायरिंग है वो ये इधर निकली आई है, सारी वायरिंग अंदर है, कोई वायरिंग बाहर से नहीं है, ये देख सकते हो पूरा कम्प्लीट पैक है ये पूरा, यहाँ से लेके आगे वायरिंग जा रही है। अभी हम पूरा इसको लगा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें। इसमें देख सकते हैं ये कैमरा हमारा लग चुका है पूरा, देख सकते हैं ये जैसे हमने रियर कैमरे का वायर लगा दिया है, तो ये सारा कपलर टू कपलर है, ये देख सकते हैं इसमें कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं है।
और ये 8 फुट की लीड हैं, और जो कैमरे वो उसकी जो स्टैंड की वायर आई थी वो ये रही, वो हमने K1 में जोड़ दी है। और इसको हम कर देते हैं पूरे का पैक, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। देख सकते हो ये हमारा पूरा फिटिंग हो चुका है। ये अपना 9 इंची का सिस्टम है, और ये पूरा इसमें देख सकते हो आप, इसके अंदर कोई भी स्क्रैच नहीं होगी। आप सब पूरे के अंदर देख सकते हो, जहाँ से खुला है इधर भी देख सकते हो पूरा। और मैं जैसे लेफ्ट से नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाता हूँ, देखिए एक भी आपको स्क्रैच नहीं मिलेगी जिसको खोलने में लगती है पेचकस से। तो ये तरीके से खोला जाता है, ये देखिए। तो अभी हम इसको पूरा, जो हमारे ट्यूटर्स थे हमने इधर लगा दिए हैं। ये राइट का हो गया, ये लेफ्ट का हो गया, देख सकते हो पूरा जो लेफ़्ट का हो गया। और मैं रियर का दिखा देता हूँ आपको एक बार। रियर का टूटर हमने इधर लगाया है, ये देख सकते हैं इस टाइप का, और ऐसे हमने इधर लगा दिया जरा। तो मैं एक बार आपको अभी मैं क्या हूँ, एक बार आपको इसमें बैक गियर डाल के दिखा देता हूँ। ये मूविंग कैमरा है, ये फुल्ली HD कैमरा है, ये देख सकते हो। ये वाइट एंगल है, पूरा एक क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं कैमरा भी दिखाऊंगा किस जगह लगा रखा हमने और कैसे लगा रखा है, जिस जगह हमने ये कैमरा लगाया हुआ है। इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, अभी हम क्या करते हैं इसमें कुछ चीज़ें चला के दिखा देते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर ऐप खोलता हूँ, ये एप्पल कार प्ले है, ये एप्पल कार प्ले के साथ है। और जैसे मैं वीडियो चलाता हूँ कोई भी, ये वीडियो चला, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट हो गया, रेडियो मोड रहेगा, जब मोड चेंज होगा म्यूजिक, पूरा वर्क कर रहा है, म्यूट प्ले, म्यूट प्ले, इससे फोन हो जाएगा। रेडियो ये पूरा वर्क कर रहा है, जैसे अभी मैं इसमें से निकालता हूँ, जैसे इसको अगर मैं इसमें ही पूरा FMB सेट हो गया, जैसे अभी मैं यहाँ से नेस्ट करता हूँ तो ये नेस्ट हो रहा है पूरा, एक सेकंड नेस्ट कर, ये बैक नेस्ट, ये पूरा वर्क करने लग गया। म्यूट, इसको हम पूरा बैक कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसमें वीडियो, इसमें वीडियो है 4-साइड IPS LED स्क्रीन है। आप किसी भी एंगल से देखोगे ये 4-साइड IPS रहने वाला है, ये वाला। नेक्स्ट कर देते हैं इसको एक बार, देखिए ये है 4-साइड IPS, न्यू क्रेटा है ये 2023 मॉडल पूरा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।